हाय फ्रेंड्स, मैं उदय मिश्रा और आप देख रहे हैं MBS मिटी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कहीं बात करते हैं ऐसे व्यक्ति से कि आपकी कॉल को या आपके चैटिंग को छिपाना होता है कि कोई पता न कर सके, और हम रेगुलर बात करते हैं जैसे ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं कि रेगुलर बात करते हैं कि उनकी कोई बातें लीक ना होने पाए या पता ना चले किसी को। हम मोबाइल किसी दूसरे हाथ में दे दें फिर भी ना पता चले उनको, वो चीज़ें ओपन ही ना कर सकें, ओपन ही नहीं करें कि हमारी बातों को पता कर सकें। तो इस तरह के सोल्यूशन को पाने के लिए आपको लास्ट तक देखना होगा वीडियो को, और लास्ट में आप वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि वीडियो कैसा लगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि चैटिंग करने के लिए आपको चैटिंग कहाँ करें। यदि हम व्हाट्सएप पर करते हैं तो लोग अक्सर मोबाइल ओपन करने के बाद में व्हाट्सएप चेक करते हैं, या फिर हम कहीं मैसेंजर पर करते हैं फिर भी हम पकड़े जाते हैं, या हम इंस्टाग्राम पर करते हैं चैटिंग फिर भी पकड़े जाते हैं। लेकिन मोबाइल में एक ऐसी जगह है या ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आप बात करेंगे वो कोई नहीं ओपन करता है किसी का। जैसे कि इसमें मोबाइल में आपने देखा होगा ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी पर हम लोग मैसेज करते हैं, ऑफिशियल मैसेज जर्नल करते हैं। लेकिन ईमेल आईडी पर यदि हम ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो ईमेल आईडी पर हम उससे चैटिंग भी कर सकते हैं, और ईमेल आईडी अक्सर लोग नहीं चेक करते हैं, अक्सर या चेक ही नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। ईमेल आईडी पर हम चैटिंग करके और ईजिली बच सकते हैं, या कोई नहीं हमको पता कर सकता है कि आप कहाँ बातें कर रहे हैं। ईमेल आईडी हो गया हमारा, जो उस पर हम चैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में फिर बात आती है वीडियो कॉल। जैसे हम वीडियो कॉल करते हैं तो वीडियो कॉल करते हैं या किसी प्रकार की कॉल करते हैं हम बात करने के लिए, तो हम पकड़े जाते हैं फिर भी। तो इससे बचने के लिए एक सलूशन आप बोल सकते हैं कि हाँ, फ़ोन करके और उसके बाद में फिर आप नंबर डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने पर हो सकता है कि आप पकड़े जाएं, या कोई साथ बगल में आ जाए, पास में आ जाए आपकी बात करते वक्त और देख ले कि हाँ आप बात कर रहे हैं, तो आपको शक हो सकता है कि हाँ ये बात कर रहे हैं कहीं ऐसी जगह। तो ऐसे इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको YouTube पर लाइव जाना होगा। YouTube पर लाइव जाइए, और जो सेकंड पार्टी है, आपकी सेकंड पार्टी है जिससे बात करनी है, वो आपके लाइव पर आके कनेक्ट हो जाएगा और आपसे ईजिली बात कर सकोगे उससे कनेक्ट होके। और आपको YouTube पर यदि कोई देखता भी है तो आप बताएंगे कि हाँ YouTube पर हम, या कोई दूसरा काम कर रहे हैं या कोई दूसरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप YouTube पर करके इस तरह के और बातें और आप बच सकते हैं, लेकिन कॉल पर आप नहीं बच सकते हैं। तो इस तरह के अमेजिंग वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम मोटिव होकर और वीडियो इस तरह के बनाएं, और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।